आप लोग सोचते हैं भक्ति किस उम्र में करनी चाहिए? अभी तो हमारा समय नहीं है, अभी तो युवावस्था है, अभी तो बचपना है, अभी क्यों भक्ति करनी है? भक्ति जो है बुढ़ापे में जा करके हम भक्ति करते रहेंगे, जब कोई काम नहीं होगा तब भक्ति करते रहेंगे, ये आप लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया गया है। कुछ आपने भ्रम पैदा कर लिया है, कुछ आप लोगों के मन में ये भ्रम डाल गया कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे में किया जाने वाला कार्य है। आपने इतिहास नहीं पढ़ा, सनक सनंदन, सनत कुमार, सुखदेव मुनि, प्रहलाद, अष्टावकर, बाल योगी, बहुत से ऐसे संत महात्मा हुए, ज्ञानेश्वर जैसे बहुत बाल योगी हुए जो बचपन में ही जिन्होंने प्राप्त कर लिया, कुछ ने गर्भ में ही उसको खोजना शुरू कर दिया परमपिता परमेश्वर को। कैसे होंगे, कैसा होगा उनका योग बल, कहाँ शुरू की होगी? अगर वो भी आपकी तरह से इंतज़ार करते कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब खोज करेंगे, अभी हमारा खोज करने का समय नहीं है। अगर अभिमन्यु बोल देता गर्भ में ही, नहीं मैं चक्रव्यूह नहीं सुनूंगा, मुझे क्या आवश्यकता है अभी से तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, जब पैदा ही नहीं हुआ हूँ, गर्भ से बाहर ही नहीं आया हूँ, अभी मुझे क्या आवश्यकता है ये कार्य करने की, मैं तो निश्चिंत रहूँगा, क्या वो इतिहास रच पाता? नहीं रच पाता। तो इतिहास रचने वाले लोग शुरू से ही ध्यान के ऊपर ध्यान करने लगते हैं, भक्ति के ऊपर ध्यान करने लगते हैं। आप सोचते होंगे आपका बच्चा अगर 10 मिनट के लिए ध्यान पर बैठ गया, नाम सुमरण के ऊपर बैठ गया, अरे कहीं बाबा बाबा न बन जाए ये, कहीं उस तरफ भाग न जाए घर से, कहीं किसी बाबे ने या संत महात्मा ने इसको बेवकूफ ना बना दिया हो, ये किस रास्ते के ऊपर जा रहा है, आपको ये नहीं मालूम। जो आदमी एक घंटा निश्चिंत हो करके ध्यान में नहीं बैठ सकता, वो पुस्तकों के ऊपर क्या बैठेगा, क्या पढ़ेगा, वो क्या सीखेगा, वो क्या उसके दिमाग में डाल पाओगे, आप कैसे मन को एकाग्र कर पाओगे, क्या कोई रास्ता है आपके पास? कहीं नहीं भागने वाला, वो घर से भागने का ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता जागने का है। आपके शरीर के जो हार्मोन है उनका बैलेंस बदलता रहता है, वो अप डाउन होते रहते हैं, ये 8 वर्ष की आयु से, वैसे तो पैदा होते ही हार्मोन चेंज होने लगते हैं, 8 वर्ष के बाद फिर बदलते हैं, फिर 16 वर्ष के बाद फिर बदलते हैं, फिर 23 वर्ष के बाद फिर बदलते हैं, और बदलते रहते हैं। जो हार्मोन की चरम सीमा होती है महिलाओं में 28 वर्ष की आयु में होती है, और पुरुषों में 33 से 35 वर्ष में होती है, फिर ये हार्मोन चेंज होने लगते हैं और ये अप से डाउन की तरफ आने लगते हैं, धीरे 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 हार्मोन कमज़ोर होने लगते हैं। अगर इस आयु बचपन, जितना आप बचपन में ध्यान शुरू करोगे उतनी ही स्पीड से आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि उस समय आपके ऊर्ध्वगामी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप चाहोगे 90 वर्ष की उम्र में मैं ऊर्ध्वगामी हो जाऊं, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, सोच से भी मुश्किल होगा। तो भक्ति का कोई समय नहीं होता, कोई आयु नहीं होती, बचपन में जो की गई भक्ति है वो स्वर्ण के समान होती है, सोने के समान होती है, युवावस्था में की गई जो भक्ति है वो चांदी के समान होती है, सिल्वर के समान होती है। जो बचपन युवावस्था से जा करके प्रौढ़वस्था में जा करके की गई भक्ति है वो तांबे के समान होती है, और जो बुजुर्ग अवस्था में भक्ति है वो लोहे के समान होती है, उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती। बस भगवान के भय से, मृत्यु के भय से, परिवार में कुछ गलत ना हो जाए इसके भय से, उसके भय से तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, कुछ देर बैठ गए, थोड़ा सुमरन भी हो गया, ये भक्ति होती है उस आयु में। लेकिन अगर आपको भक्ति करनी है तो अवस्था नहीं देखनी चाहिए, आपको केवल लक्ष्य देखना चाहिए, ध्यान देखना चाहिए, और कहाँ पहुँचना है इस जन्म का लाभ उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ दो और बैठ जाओ, ऐसा आप करोगे भी नहीं, ऐसा होना भी
बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि ऐसे लोग स्पेशली आते हैं। कभी कभी सैकड़ों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद कोई कोई आता है, ऐसे व्यक्ति जो स्पेशल में आते हैं, या तो उनका कोई पिछला कर्म शेष रह गया हो, पिछले जन्म का जो अपना भुगतने के लिए आते हैं, या संकल्प ये रह गया हो कि मुझे संसार की भलाई करनी है, इस संसार को जगाना है, ये संकल्प रह गया। दो प्रकार के संकल्प अगर मन में हैं तो ही वो विशेष आते हैं, और लोगों को जगा करके, आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा पैदा करके, ज्ञान पैदा करके, मार्ग पर चला करके, और वापिस अपने लोक को, निज धाम को वो लोग चले जाते हैं। तो आप भक्ति किसी भी उम्र में, जिस प्रकार, जिस जहाँ भी खड़े हैं, जितनी भी उम्र है, वहीं से आप शुरू कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए।